वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बजट फ्रेंडली वेरी चटखारेदार स्नैक बनाएंगे जो कि चाय के साथ खाने में बेस्ट है, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक बोल है, इसमें हम डालेंगे लेवल 1 कप मैदा। अगर आप चाहें तो इस जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और साथ ही इसमें अब जाएगा लेवल 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। ये सब चला जाएगा इसमें और अब ग्लव्स पहनेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और तेल के साथ अच्छे से पहले मिला लेंगे इसे। ये ऐसा स्नैक है जिसमें एक तो पॉकेट के लिए बेस्ट है, प्लस प्रेजेंटेबल है, चटखारेदार है, मेहमानों के आगे रखेंगे तो इम्प्रेसिव भी है और ख़ुद खाएंगे तब भी बड़ा मज़ा आएगा। अच्छे से आटे में तेल मिल गया है और आप देखें मुट्ठी बना है, तो ये थोड़ी सी मुट्ठी बन रही है, तो इन्हें अच्छे से कोट हो गया दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गून लेंगे, दरमियाने किस्म का, ना सख्त ना सॉफ्ट। तो ये आटा गूंदने में मैंने यूज़ किए हैं 4 टेबलस्पून पानी और अब टुगेदर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो यहाँ देखें 1/2 बूंद तेल की रखी हुई है, ये डाल देते हैं, इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं। ये हो गया, तो इसका बॉल बनाएंगे कवर करके, थोड़ा सा रेस्ट देंगे जब तक हम एक दूसरा आटा गूंथते हैं। एक अनदर बॉल लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 लेवल कप बेसन का, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। और ये सारी चीज़ें मैंने लेवल ली है, तो अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल, और अच्छे से मिला लेंगे ऑयल को और बेसन को। अब इसको भी गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको गूंदने में 4 टेबलस्पून मैंने पानी यूज़ किया, या 2 टीस्पून तेल है, ये डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखें ऑयल लगने से मैजिकली सारा बेसन जो हाथों पे ग्लव्स पे भी लगा हुआ था ना, वो सब निकल गया। तो अब इसका भी एक बॉल बनाएंगे और इसको साइड पे रखते हैं और ये मैस क्लियर करते हैं और मिलते हैं आपसे 30 सेकंड में।
तो देखिए सेटअप हो गया है, तो सबसे पहले हम बेसन की रोटी बेलते हैं। तो ये हो गई, अब इसको हटाते हैं साइड पे, मैदा ले लेते हैं। अब मैदे की भी रोटी बेल लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ड्राई फ्लावर लगा दें, लेकिन बिल्कुल इजी है बनाना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले ये रोटी भी बिल गई, अब ये बेसन की रोटी को उठा के मैदे की रोटी पर रखेंगे। और अब इनको दोनों को मिला के बेल लेंगे। थोड़ी सी उठा के और घुमा लेते हैं। गोल कम रखते हैं, चौड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब बेसिकली मैं बेलन आप सिर्फ इस तरफ कर रही हूँ, गोलाई में नहीं कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सी ओवल टाइप की हो गई ना, तब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। और अब थोड़ी सी बढ़ा लेंगे हाथ से, जैसे बेलन से बेलते हैं ना, तो समझे अब ये आपका ये बेलन है। तो बीच में जो थिकनेस है ना, उसको बराबर कर लेंगे। तो ये देखें अच्छा सा लंबा सा हो गया, तो अब इसे हम आधा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कैसा खूबसूरत सा लग रहा है। और अब बस इसके भी छोटे छोटे काट लेंगे टुकड़े। अब आप चाहें तो इसको छोटा करें, बड़ा करें, जैसे जो भी मैंने पीसेस काटे हैं ना, तो अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा पतला काट लें, थोड़ा मोटा काट लें, जैसा आपका दिल चाहे। यू आर योर ओन बॉस। देखा कितना इजी और फन है, जो चीज़ फन होती है और इजी होती है तो वो ऐसा लगता है करते जाओ। मज़ा आ रहा है और फिर दिल को भी सुकून होता है कि बजट फ्रेंडली भी है। और ये कोने के हैं, थोड़े छोटे छोटे हैं इस तरह से, लेकिन उनको भी यूज़ कर लेंगे हम। यहाँ देखें हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने रखा हुआ है सिर्फ मीडियम लो पे। तो अब हम अपनी पूरियों को बेलते हैं, ना थिक करेंगे ना थिन करेंगे, मीडियम। देखें कितनी प्रिटी लग रही है। तो ये बेल बेल के यहाँ रख देते हैं। देखिए मैंने थोड़ी बहुत बेल ली है, तो अब ये तेल जो है वो अच्छी सी हीट आ रही है, लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि इसे हमें क्रिस्पी भी करना है। तो मीडियम लो पे अभी भी चूल्हा है, तो इसको डाल देते हैं। बस इसे हम 3-4 मिनट ईच साइड पे फ्राई होने देते हैं। 2-3 मिनट हो गए, अब इसको हम अच्छे से घुमाते फिराते हैं। तो ये देखें हमारा किनारा लास्ट वाला रह गया है, और यहाँ ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गई है। देखते हैं क्रिस्पी करारी हुई तो इसको निकालते हैं।
ये हमारा फर्स्ट बैच तो हो गया और अराउंड लगे हैं इसको 7 से 8 मिनट। और चूल्हा मीडियम लो ही रखा है हमने। दूसरा बैच डाल देते हैं। तो यहाँ देखें हमारा सेकंड बैच भी हो गया है। चूल्हे को करते हैं बंद और इनको निकाल लेते हैं। ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट बजट फ्रेंडली चटाकेदार हमारा स्नैक बन गया, मानते हैं? और मज़े की बात ये है कि ऐसी चीज़ें जो है जार भर के रख लें, एक महीने तक खाते रहें, बल्कि उससे पहले ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो ख़राब नहीं होगी। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लक कैसी रही है। क्या खुशबू है, क्या जायका है। इस कदर खस्ता है और आपने देखा बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है। राइट टेम्परेचर पे जब तलते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसमें ऑयल नहीं होता बिल्कुल भी। और मीडियम पे जैसे गर्म किया था, और मीडियम लो और मीडियम के दरमियान फ्राई किया है। टाइम टेकिंग ऐसा स्लो स्लो करना है, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं कर देना है, वरना क्रिस्पी नहीं होगी और डार्क हो जाएगी। बाकी आप देखें इसकी खस्तगी, देखें मैं आपको बताती हूँ। तो देखा कैसा खतरनाक क्रिस्पी और इतना अच्छा जायका है। बेसन का एकदम चटाखा है और जो मैदे का जो है जीरे का और काली मिर्च की तीखाहट, माइंड ब्लोइंग। ये आप लोगों के लिए खतरनाक बनाना बनता है। अब जब भी चाय पिएंगे निकालेंगे, पागल छागल हो जाएंगे, मुझे याद करेंगे, हम सब पागल मिलके मज़े करेंगे। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।